यू मीन टू लिव विद मीन मतलब तुम मेरे साथ रहना चाहते हो अंट्राइफुल मतलब यहाँ पर इन्वाइट तो right. तो नहीं किया तो वो इंट्रूडर कहता है यू वोट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिटल टू आस तो तुम कौन सा यहाँ पे रहने वाले हो इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा वॉट डू यू मीन

तो तुम्हें मारना तो पड़ेगा मुझे वाय मर्डर टू योर अदर क्राइम्स इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग भाई तुमने तो अभी तक चोरी की थी यू हैव जस्ट सेट दैट यू आर अ अल रॉबर तो तुम अपने रॉबिंग में ये क्यों डालना चाहते हो अपने इसमें मर्डर क्यों ऐड करना चाहते हो दिस इज अ सीरियस वन आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन फन आई बीन हंटेड लॉन्ग इनफ

सो टू स्पीक एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट वॉट है कि तुम जो हो बहुत अच्छे से मतलब यू ह्लान तुमने बहुत सोच समझ कर प्लानिंग की है सो टू स्पीक बोलने के लिए माना एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज मतलब माना कि तुम्हें तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं क्योंकि एक बार मर्डर करो दो बार मर्डर करो हैंगिंग तो एक ही बार होगी ना भाई पनिशमेंट तो हमें एक एक ही बार मिलेगा। एक बार मिलेगा चाहे हम मर्डर करें या फिर हम दो बार मर्डर करें लेकिन ऑन द अदर वन ग्रेटिट्यूड मतलब होता है बेटा विदाउट एनी रीजन लेकिन वो कहता है तुम्हें फायदा क्या होगा वो कहता है फ्रीडम टू गेन As As for myself, I'm I'm a poor hunted rat. As Charles Garrett, I'm free to to go places and and do nothing. I can eat well, sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a एंड वो कहता है भाई मुझे तो अब आजादी मिल जाएगी तुम्हें मार डालूंगा मैं गैराट बन के रहूंगा तो अभी तक तो मुझे एक चूहे की तरह मेरे पीछे पड़े हुए आम अर हंटेड रैट मतलब फॉर मी लेकिन जब मैं तुम्हें मारकर गैराट बन जाऊंगा तो आई विल बी फ्री मैं जो हूं आजाद हो जाऊंगा और मुझे जो है कॉप्स यानी कि किसी भी पुलिसमैन को देखकर भागने की जरूरत नहीं है इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलन इज फुलिश एनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग एनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड यू आर मच लकियर वो कहता है कि ज्यादातर मेलोड्रामास में होता है कि जो विलन होता है वो अपनी बारी चलाने में थोड़ा लेट कर देता है बट तुम थोड़े लकी हो आई एम ओके आई गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग आई एम गोइंग टू बी विंसेंट सी आई गॉट टू नो वॉट ही टॉक्स लाइक नाउ आई नो दैट पॉश कम्स दिस समर वी सी ग्रैप स्पीकिंग मतलब वो जब वो फोन पे कर रहा था ना तो इसने शायद पीछे से सुन लिया था वो कहता है देखो मैं तो तुम्हारी जिंदगी जींगा अब मुझे यह भी पता लग गया कि तुम कैसे बातें करते हो एंड उठ के देखो मेरी तरफ। you not particularly decorative. Decorative मतलब smart, देखने में अच्छे। नो वेल दैट गोस फॉर यू टू आई गॉट ओनली गॉट टू बीर स्पेक्स इनअ लाइक टू यू टू गेट अवे विद्या वो तो तुम भी देखने में बहुत स्मार्ट नहीं लगते हो बस मुझे सिर्फ तुम्हारे जैसा चश्मा पहनना पड़ेगा फिर तुम देखना मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता हूँ। व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल और कपड़े गेराट जो है उसको फ्रस्ट्रेट कर रहा होता है जानबूझकर दैट विल बी ऑल राइट योर्स विल फिट मी फाइन उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे कपड़े मेरे को आ जाएंगे <coughs> दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क लेकिन तुम मेरी शायद बात नहीं समझे हो बट आई सेट यूअर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स इट वॉज नॉट्यूट टू यूर इंटेलिजेंस यू वोट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन

वो कहता है कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड बेटर बी क्विक दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी वो कहता है भाई तुम जो हो जल्दी से बताओ क्या बताना चाहते हो तुम्हारी बातें मुझे बोरिंग लग रही है जल्दी बताओ तो गैराड उसे कहता है योर आइडिया इज टू इल्यूड द पुलिस इल्यूड मतलब पुलिस को चकमा देना माई किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी तुम यही आइडिया रखा ना कि तुम जो हो मतलब कि मुझे मार डालोगे और मेरी आईडेंटिटी लेकर तुम पुलिस को चकमा दे दोगे यस आई लाइक बट आर यू श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प तुम्हें समझ आ रहा कि ये तुम्हें हेल्प करेगा भी? ध्यान से बेटा जो अभी मैं पढ़ रही हूँ इस पर थोड़ा ध्यान करना सुनो so no, मैंने ये सारी चीजें प्लानिंग से की थी मैंने जो है आई डिड जॉब मतलब मैंने कुछ चोरी की थी इन टाउन uh, वहां मैं पकड़ा गया था तो मैंने जो है अपने आप को बचाने के लिए एक पुलिस वाले को मार दिया और तब से मैं खुद को बचाते हुए डॉज मतलब उनको चकमा देते हुए मैं जो हूं भाग रहा हूँ इधर उधर एंड दिस इज वेयर डॉजिंग मतलब तुम गए। मैं मैं यहां नहीं, आया, मैं आया था। और वहां पर कार टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक आई लिसन इट लुक्स लाइक यू आर बिट क्वीर काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन तो वो कहता है मैंने तुम्हें एल्सबेरी में देखा था वहां पर जो है आप किसी दो इंसान से बात कर रहे थे और ऐसा लग रहा था यू यू इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वीर क्वीर मतलब स्ट्रेंज क्वीर मतलब स्ट्रेंज मतलब ऐसा लगता कुछ मिस्टीरियस से इंसान हो आपको समझना बड़ा मुश्किल है वो कहता अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन अगर आपकी इजाजत इजाजत हो तो मैं बताऊं वो इंट्रूडर उसको बोलता है

इंटेलिजेंस टू आस्कोक वो कहता है भाई तुमने ये नहीं बता तुमने ये नहीं पूछा कि मैं ये में क्यों रहता हूं उसको कहता है कि तुम एक मिस्टीरियस मैन हो मतलब तुम कब कहा जाते हो कब वापस आते हो किस से बात करते हो नो वन नो कोई नहीं तुम्हारे बारे में जानता और मैं मेरे को ऐसा ही रहना है तो गैराट कहता है लेकिन तुमने ये नहीं देख ये नहीं सोचा कि मैं ऐसा मिस्टीरियस क्यों रहता हूं क्यों मैं चोरी छुपे रहता हूं क्यों मैं ऐसे जो मतलब कि आता हूं, जाता हूं आई से अब मैं तुम्हें मार डालूंगा तुम जो है ना घुमा फिरा के बात मत करो डोंट बी अ फूल इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर इफ नॉट एस यूर देन एज विंसेंट चार्ल्स गैराट वो कहता है भाई तुम मुझे शूट मत करो अग, नहीं तो तुम तुम फांसी चढ़ जाओगे मतलब तुम तुम बनके नहीं तो विंसेंट चार्लस गैरेट बनके ही तुम फांसी चढ़ जाओगे वो कहता है मतलब वॉट इज दिस मतलब मीन्स दिस इज योर बिग सरप्राइज I said you wouldn't kill me and I was right. मैंने बोला था ना तुम मुझे नहीं मार सकते अब मैं तुम्हें बताता हूं Why do you think I'm here today and gone tomorrow? Never see ट्रेड क्यों लगता है मैं यहां पे हूं कल चला जाता हूं मैं किसी से मिलता जुलता नहीं हूं यू से माई है संडे स्कूल टीचर क्या संडे स्कूल टीचर a sarcastic way तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो आर यू थिंकिंग दैट अगर तुम चला को तो मैं क्या बेवकूफ हूं द गेम Is up as far as I'm concerned. Things went wrong with me. I said it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things a fool should have burned. Today, I'm expecting trouble. अब वो चलाकी कर रहा है. He is using the presence of mind. वो कहती है, वो कहता है that तुम्हें क्या लगता है? मैं ऐसा क्यों हूँ? भाई, मेरे साथ भी कुछ गड़बड़ हो गया था Then मैंने जो है गोली मार दी थी लेकिन मेरे कुछ जो मतलब कि इंसान मतलब जो मेरे आदमी थे उनमें से एक आदमी पकड़ा गया था एंड पुलिस को वो चीज मिल गई थी जिसको मुझे जला देना चाहिए था और मुझे लग रहा आज मैं पकड़ा जाऊंगा टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल मतलब मेरा आदमी पकड़ा गया तो हो सकता है कि आज मुझे पुलिस पकड़ ले माय बैग इज पैक रेडी टू क्लियर ऑफ देयर इट इज तभी मैंने जो है अपना बैग पैक किया है और मैं यहाँ से भागने वाला वो देखो इट इज अग ऑल राइट एंड दिस इज अ गॉट इज ऑल दिस वो कहता है ठीक है ये बैग है ये गन है लेकिन इसके अंदर ये सामान क्या रखा हुआ है वो कहता है कि दिस इज अ डिस्गाइज आउटफिट नकली फॉल्स मुस्टेच एंड वॉट नॉट नाउ डू यू बिलीव मी भाई ये नकली मूछे वगैरह है मतलब यहाँ से मुझे भागना है ना तो मैं किसी का मतलब वो बन के डिसने वाला हूँ क्लियर दट मडल मडल मतलब पजल्ड एंड कम विद मी इन दई कैन यूज यू इफ यू फाइंड इट इज अ फ्रेम गॉट मी इन दू है भाई अभी तो समझ जाओ मेरे साथ चलो मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर जाऊंगा मैं भी बच जाऊंगा और अगर तुम्हें लग रहा है मैं चलाकी कर रहा हूं तो तुम मुझे कार में ही मार डालना मे बी यू आर राइट बोलता शायद तुम सही बोल रहे हो देन डोंट वेस्ट टाइम चलो वो बैग और हैट उठाता है केयरफुल बॉज आई एम वॉचिंग यू भाई ध्यान से मैं तुम्हें देख रहा हूं अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पोलिस बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव वो कहता है अगर पुलिस आएगी तो वो मुझे फोन कर देगा लेकिन मैं यहाँ से कम ऑन दे आर आफ्टर अस थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गराज चलो चलो हम यहाँ से गराज की तरफ चलते हैं और भागते हैं हाउ डू यू नो आई दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ अब इंट्रूडर जो है वो पूछता है क्राइम मतलब मुझे कैसे पता वो डोंट बी ए फुक फॉर यूर सेल्फ

वो उसे कहता है ये जो दरवाजा खुल रहा है ना यहाँ से हम बाहर गराज की तरफ जाएंगे वो कहता है मुझे कैसे पता रहेगा तुम तुम सच बोल रहे हो मैं तो तुम खुद देख लो वो दरवाजा खोलता है जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो जो इंट्रूडर है वो अंदर सर उठ वो करता है लेकिन उसका हाथ जो है रिवॉल्वर ऐसे होता है तो जैसे ही वो अंदर करता है ना ये पीछे से उसको पुश करता है उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनता उसको बंद कर देता कब्बट के अंदर इंट्रूडर

देखो मैं प्रॉप्स लेकर नहीं आ पाया था प्रॉप्स होते हैं जो इसका नाम क्या जो वो मुस्टेचे वगैरह है जो यूज होता है प्ले में कहता है सॉरी मैं अगली बार के लिए मैं डाल लूंगा प्लीज अपने फ्रेंड सर्जन मतलब पुलिस को बोलना जरा जल्दी यहां आ जाए शायद वो पब्लिक बार में होगा उनको यहाँ पे जल्दी से बुलाओ दस यूजिंग हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड यूजिंग हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड he is able to capture that intruder easily। राट मतलब तो तुम, तुम बन भी जाओगे ना तो भी तुम पकड़े जाओगे क्योंकि मैं भी एक चोर हूं मैंने भी एक खून किया है पुलिस मेरे भी पीछे पड़ी है अब वो इंट्रूडर उसकी बातों में आ जाता है और उसको लगता है कि ही इज मतलब कि वो सच बोल रहा है और वो उसके साथ निकल जाता है बट अल्टीमेटली ही इज कॉट इन दैट एंड वेरी वेरी क्लेवरली ग्रार जो है उसको पकड़वा देता है सो नाउ इन अ अच्छा आई गिव यू द समरी ऑफ द स्टोरी इफ आई वर यू अगर मैं तुम्हारी जगह होता यहां पर दिस इज रिटर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस इज रिटर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अल क्रिमिनल की उसमें लिखा हुआ है अगर मैं तुम्हारी जगह होता द मीनिंग ऑफ पॉश स्टिज पॉश इज यूज फॉर समथिंग वेरी सोफिस्टिकेटेड कुछ सोफिस्टिकेटेड सी चीजों के लिए अच्छे रिच एंड द सेकेंड क्वेश्चन एज ग्रेव स्टेप मीन्स समथिंग वेरी सीरियस जो तुम कदम उठाने वाले हो यह बहुत सीरियस स्टेप है सो नाउ द स्टोरी गोज राउंड दिस की गैराट जो है वो एक प्ले राइट है तो उसको तो कहानियां लिखनी आती है ही इज अ पर्सन राइटर हु वर्क इन ड्रामास जो ड्रामा वगैरह में काम करता है तो उसको ड्रामा लिखना भी आता है और ड्रामा जो है उसमें वो प्ले भी करता है इसलिए वो चालाक होता है उसको तो जो है टॉपिक हाउ टू प्रेजेंट उसके घर के अंदर एक क्रिमिनल घुसाता है जिसने शायद कोई रॉबरी की थी एंड जब वो पकड़ा गया था तो उसने एक पुलिस वाले को मार दिया था और फिर वो अपने आप को बचाना चाहता था उसको याद आया कि एक बार आइल्सबरी में वो जो है एक आदमी से मिला था मतलब गैराट जो देखने में बिल्कुल उसकी और इसकी शक्ल तकरीबन मिलती जुलती थी हाइट वगैरह और उसके बारे में इसने जब पता किया था तो उसको पता लगा था कि वो बड़ा ही मिस्टीरियस आदमी है कोई नहीं जानता कि वो कब घर आता कब कहाँ जाता है कब किससे मिलता है तो इसको लगा कि अगर मैं गैराट बन जाऊं तो पुलिस मुझे आसानी से नहीं ढूंढेगी और उसने अंदाजा लगाया कि उसकी शक्ल उसका जो हाइट वगैरह वो गैराट से मिलता जुलता तो उसे लगा कि एक बार तो मैं खून कर चुका हूं अगर मैं दूसरी बार गैराट का खून करूंगा तो भी पुलिस तो मुझे कुछ नहीं कर सकती और वैसे भी मैं गैराट बन के रहूंगा तो मुझे पुलिस नहीं पकड़ेगी ये सोचकर ही गोस इंटू गैराट कॉटेज जो कि थोड़ा टाउन से दूर है वहां गैराट जो है वो किसी से फोन पर बात करता है एंड वो जो है किसी को बता रहा होता कि मैं भी थोड़ी देर में आने वाला हूं इंट्रूडर वहां पहुंच जाता है और उसको रिवॉल्वर लेकर उसे कहता है, तुम अपने बारे में बताओ नाउ गैराट समझ जाता है कि ये बेवकूफ भी है एट द सेम टाइम ये मतलब कि ही इज आल्सो डेंजरस क्योंकि इसके हाथ में पिस्तौल है तो वो उसको बातों में घुमाता रहता है यहां की बातें करता है एंड अल्टीमेटली वो एक कहानी उसको सुना देता है दैट ही ही इज अ क्रिमिनल है तो वो कह रहा है लेकिन वो एक क्रिमिनल है और उसने भी किसी को मार डाला था और पुलिस उसको पकड़ने वाली है और उसका एक आदमी उनके जो मतलब कि जो गिरोह है उसका एक आदमी जो है उसे पुलिस पकड़ चुकी है और उनके पास कुछ सबूत हैं पुलिस के पास जिसे उन्हें जला देना चाहिए था बट कुछ सबूत है एंड द पुलिस इज गोइंग टू कैच हिम और इसीलिए वो यहाँ से भाग रहा है और उसका कोई फ्रेंड है जो उसे कॉल करने वाला है एक्चुअली उसका कॉल आने वाला होता है ड्रामा सेंटर से लेकिन वो चलाकी करता कहता मेरा एक आदमी अभी आने वाला है वो बता देगा अगर पुलिस आ रही है तो तो अगर तुम चाहते हो कि तुम भी यहां से भागना हो तो मेरे साथ चलो कार खड़ी है हम दोनों भागेंगे और अगर तुम्हें लगता है मैं कोई चलाकी कर रहा हूं तो तुम कार में मुझे मार डालना जब वो इस तरीके से एश्योर करता है तो इंट्रूडर उसकी बातों में आ जाता है अब वो उसे पकड़ के लेके चलता है एंड ही डम्स हिम इनटू द कब्बर और चलाकी से उसे रिवॉल्वर भी छीन कर ही जस्ट हैंड्स हिम ओवर टू द पुलिस सो इन अनदर वे द एंटायर चैप्टर इज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ माइंड हाउ गेरार्ड यूजेस हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड सेव्स हिम फ्रॉम सच अ बिग ट्रॉमा Otherwise, he could have been killed. So, that is the chapter if I were you.